नमस्कार दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि राज्य की योगी सरकार कुछ ना कुछ नया करते रहने की एक मिसाल बन गई है। तो इसी मिसाल में एक और मिसाल कायम होने जा रही है कि 58,000 ग्राम पंचायतों में तैनात होंगी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी, जिन्हें वीसी सखी के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि आशा बहुएँ हैं, आंगनबाड़ी हैं, वैसे ही जो है 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्तियां होने जा रही है, जो लोगों की बैंकिंग समस्याओं को जो है सुलझाएंगी। तो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट यूपी, कितना मिलेगा मानदेय एवं क्या होंगी योग्यताएं? तो आइए इस जो है वीडियो में देखते हैं कि जो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी हैं उनका मानदेय कितना होगा, कब तक नियुक्ति हो जाएगी और उसकी योग्यताएँ क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए लाई गई योजनाओं का 100% लाभ गांव तक पहुंचाने पर सरकार का पूरा जोर है। इसी के तहत प्रदेश के करीब 58,000 ग्राम पंचायतों में इसी माह बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी यानी वीसी सखी की तैनाती होने जा रही है। वीसी सखी स्वयं सहायता समूहों और बैंक के बीच एक तरह से संपर्क सूत्र का काम करेंगी। इससे ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मदद करेंगी और ग्रामीण परिवारों व स्वयं सहायता समूहों में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने पर भी जोर देंगी। साथ ही वंचित परिवारों के फाइनेंशियल की वित्तीय समावेशन के लिए भी यह एक सशक्त माध्यम होंगी। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास मनोज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि वीसी सखी के लिए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन के तहत करीब 3.59 लाख पंजीकरण हुए थे, जिनमें से 2.51 लाख आवेदन सही पाए गए हैं। अब चयन संबंधी आगे की प्रक्रिया पर काम चल रहा है और कोशिश है कि इसी माह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। कोशिश है कि इसी माह जो है प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में 11 जून 2020 को एक ऐप रोल आउट किया गया था, जिस पर पूर्ण विवरण के साथ आवेदन करना था। वीसी सखी के चयन के लिए पहली वरीयता स्वयं सहायता समूह की उस सदस्य को दी जा रही है जो स्वयं सहायता समूह को सबसे पहले ज्वाइन किया हो और समूह के केंद्र बिंदु के रूप में हो। इसके अलावा समूह को संचालित करने में जिसकी अहम भूमिका हो, ऐसे भी समूह हो सकते हैं जो वर्तमान में सक्रिय ना हो, लेकिन उनकी जागरूक गतिशील सदस्य को वीसी सखी बनाया जा सकता है। समूह को दोबारा से सक्रिय बनाया जा सकता है। इस चयन प्रक्रिया का उद्देश्य यही है कि ऐसी वीसी सखी की नियुक्ति हो जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो और नई तकनीक को सीखने और समझने की रुझान हो। आरक्षण व्यवस्था होगी लागू। प्रदेश में चयनित की जाने वाली इन 58,000 वीसी सखी में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत चुनी गई महिलाओं को नौकरी मिलेगी और अगले 6 महीने तक प्रतिमाह 4,000 रुपये की धनराशि सैलरी के रूप में दी जाएगी। डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए 50,000 रुपये की सहायता धनराशि प्रत्येक बैंक सखी को दी जाएगी। बीसी सखी को मिलेगी ट्रेनिंग। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चयनित बीसी सखी का समुचित प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करेगा। प्रशिक्षण में भेजने से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। इसके अलावा मिशन उनके ब्रांडिंग की व्यवस्था करेगा और उनका ड्रेस कोड निर्धारित करेगा। तो मित्रों, ये रहा समाचार। आशा करता हूँ कि आपको समाचार पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।